अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फरहा सैयद फर्स्ट चॉइस। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन चिली, जिसकी इंग्रेडिएंट है ये सब। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है चिकन, ये है 100 ग्राम से 150 ग्राम के करीब चिकन है। इसको मैंने कुछ इस तरह से मीडियम साइज में स्क्वायर टाइप में काट लिया है। और यहाँ थोड़ी सी वेजीज है, थोड़ा सा कैप्सिकम है, स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट है और थोड़ा सा कैरेट है। और ये हाफ कप के करीब स्प्रिंग अनियन है, हाफ टी स्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून मैदा है, हाफ टी स्पून विनेगर है और 1.5 चम्मच जो है मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। ये एग वाइट है, सिर्फ एग वाइट है। 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस है, 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक है और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर या ये वाइट पेपर पाउडर और 1 कप प्लेन वाटर। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो मैं इसमें डालूंगी एग वाइट, वाइट पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, मैदा 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को मैं डाल के अच्छा सा मिला दूंगी और 15 मिनट के लिए साइड में रख दूंगी। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है, अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख लूंगी। यहाँ गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है, उसमें 1/2 कप के करीब तेल डाल दी हूँ। अभी हम चिकन को फ्राई करते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई कर लेंगे। बस मीडियम फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए अलट पलट करके फ्राई कर लीजिए और ये डन हो जाएगा। चिकन जो है हमारा, वो देखिए डन हो गया है। अभी हमें इससे ज़्यादा चिकन को फ्राई नहीं करना है, बस स्टेज पे मैं इसे निकाल लूँगी। अगर हम ज़्यादा फ्राई करेंगे, ओवर कुक करेंगे, तो चिकन जो है अंदर तक के एकदम ड्राई हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। बस इसी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है, अब मैं इसका सेकेंड बैच वो भी डालूँगी। मैं बाकी की चिकन को भी इसी तरह से फ्राई करके निकाल लूँगी। एक टाइम पे आप उतनी चिकन डालें जितना आपके पैन में जगह है, ओवर क्राउड मत कीजिए। तो बस तो यहाँ मैंने सारी चिकन को डाल दी है, बस कुछ सेकेंड में ये भी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मेरी बाकी की जो चिकन है जो मैंने डाली थी सेकेंड बैच, वो भी तैयार हो गया है। उसे भी मैं साइड में निकाल के रख लूँगी। तो यहाँ मैंने 1.5 चम्मच जो कॉर्नफ्लोर लिया था, उसमें 1 कप के करीब पानी डाल के इसकी एक स्मूथी स्लरी बना के साइड में कर लूँगी। अच्छा, जिस पैन में मैंने चिकन को फ्राई किया था, उसमें से सारा तेल निकाल दिया है, बस 2 चम्मच के करीब मैंने तेल रखा है। अब मैं उसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक और इसे बस कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस कुछ सेकंड के लिए ही फ्राई करना है। और इसी के साथ मैं सारी वेजीज डालूँगी। और इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। मैं डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर
या वाइट पेपर पाउडर आपके पास जो अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। और सॉसेस वाइट विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, इन सब को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकेंड के लिए इसे पकने देंगे। यहाँ मैंने सारे मसाले को अच्छे से कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लिया था। अब हम इसमें 3 टेबल के करीब पानी डालेंगे। मैं इसमें 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। यह है 1 कप और यह है 1/2 कप। आपको जितनी ग्रेवी लगती है उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिए और एक बॉईल आने तक की वेट कीजिए। अच्छा, मैंने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है और बाकी मसालों में भी थोड़ा थोड़ा नमक होता है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। पानी में है जो एक बॉईल आ गया है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाल देंगे। इसको थोड़ा सा डालने से पहले इस तरह से मिक्स कर लें और गैस के फ्लेम को लो कर लें और इसे धीरे धीरे डाल दें। धीरे धीरे डाल के मिलाते रहे। स्लाइटली इसे मिक्स करते रहिए। धीरे धीरे जो इसकी ग्रेवी है वो थिक होती जाएगी। देखिए ये कुछ इस तरह से हो गई है। बस इसी स्टेज पे हमें चिकन फ्राई किए हुए चिकन भी डाल देने हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी ग्रेवी जो है रेडी हो गई है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी कितनी चाहिए। अभी ये थोड़ी रनी है, अगर आपको और थोड़ा थिक चाहिए तो आप कुछ सेकेंड और पका ले तो ये रनी हो जाएगी। और अभी मैं इसे डिश आउट करती हूँ कुछ स्प्रिंग अनियन के साथ। तो ये रेडी है। तो तैयार है हमारी चिकन चिल्ली ग्रेवी। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। मैं इसे बस कुछ स्प्रिंग अनियन के साथ स्प्रिंकल कर दूंगी, स्प्रिंग अनियन और कैबेज के साथ। और ये तैयार हो गई हमारी डिलीशियस सी चिकन चिल्ली की ग्रेवी। बहुत इजी रेसिपी है, आपने तो देखा ही कितनी कम चीज़ों में और कितनी झटपट से बन गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।